Hello students, how are you? Welcome back. So I am again here with a new chapter of civics, class 8th, that is chapter number 4, understanding laws. तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, सिविक्स का, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लॉज. इस चैप्टर के अंदर हमने समझना है कि लॉज क्या होते हैं, लॉज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हो अगर लॉज यानी रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं क्या वहां पर रहना पॉसिबल होगा. इसके अलावा इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ये लॉज कौन बनाता है, कहां पर बनते हैं लॉज. सबसे पहले ये लॉज बनाने के जो प्रचलन है ये कहां से आया एग्जिस्टेंस में. देखिए, आज से 150-200 साल पहले कि अगर हम बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में सब जगह मोनार्की सिस्टम होता था, राजा महाराजा होते थे और बाकी सब उनकी प्रजा होती थी. राजा जो नियम कायदे कानून बनाता था वो सबको फॉलो करने होते थे. आपके साथ अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, इफ इट इज जस्टफुल और अनजस्टफुल अगेंस्ट यू, यू कुड नेवर चैलेंज द किंग. आप राजा को चैलेंज नहीं कर सकते थे, जो मन में आता था वो कानून बनाए जाते थे. मुगलों ने हमारे ऊपर रूल किया, मुस्लिम्स रूल्ड अस ओवर अस मोर देन 300 इयर्स, मुस्लिम्स रूल्ड फॉर मोर देन 700 इयर्स, देन ब्रिटिशर्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलोनियल रूल, वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर मोर देन 250 इयर्स. तो ये जो समय था उस समय पर ये सारे रूल रेगुलेशंस नहीं होते थे. आजादी के बाद अब हम लोग आजाद हैं, वी आर फ्री, वी हैव द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं. हमें बोलने का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, जो मन चाहे वो बन जाने का अधिकार है. आप आईपीएस बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, आप किसी भी रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप एक जेंट्स हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, कोई वुमेन है या कोई लड़की है लड़का है, चाहे नीची जात ऊंची जात तो खत्म ही कर दी गई है, सबको इक्वल कर दिया गया है कानून के सामने. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज आप रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, पूरी फैमिली जा रही है, रेड लाइट आ गई. तो जैसे ही चौराहे पर रेड लाइट जो है जब वो रेड हो जाती है तो आपकी जो लाइन है जिसमें आप चल रहे हैं वो सबको रुक जाना पड़ता है. तो ये क्या है, ये एक नियम है, कायदा है, कानून है. अगर ये कानून नहीं होता तो क्या दूसरी तरफ से आने वाले लोगों को निकलने के लिए कोई इजाजत मिलती या कोई उनको निकलने के लिए रास्ता देता? सबको तो जल्दी होती है निकलने की. तो ऐसे तो फिर क्योस हो जाता क्रिएट, झगड़े होते रोज की रोज. वो उससे पहले निकलने की सोचता, वो उससे पहले निकलने की सोचता. तो एक छोटे से रोड पर चलते चलते हमें कितने सारे कायदे कानूनों को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. आप एक स्कूटर पर जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, तुरंत पुलिस वाले आपको रोक लेंगे और बोलेंगे जी ये हेलमेट नहीं पहन रखा, आपका 500 रुपए का चालान कट गया है. ये क्या है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे कायदे कानून सरकार ने बनाए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा. अगर ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, कोई बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, कुछ बहुत दिमाग के तेज हैं, होशियार हैं, कुछ बेचारे इलिटरेट लोग भी हैं, अनपढ़ हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है. तो फिर जो ताकतवर लोग होंगे वो तो आपका फायदा उठा के आपकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेंगे. अगर कोई आपको ऐसे आपकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेता है कोई, तो कोई तो होना चाहिए ना जो आपको प्रोटेक्ट करे. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे पहले क्या होता था, घरों में वुमेन्स वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स. शादी के बाद उनके हस्बैंड उनको मारते थे, पीटते थे, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते थे. तो फिर लोग क्या बोलते थे, कोई बात नहीं भाई आपका हस्बैंड है, पति को परमेश्वर समझा जाता था,
जब अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती थी कि पापा मुझे ऐसे मारा गया, पीटा गया, तो घर वाले भी यही बोलते थे कि बेटे हमने तो तुम्हारी शादी कर दी, अब वो तुम्हारा पति परमेश्वर है, जो करे। पहले सती प्रैक्टिस फॉलो होती थी। अगर हस्बैंड किसी लड़की की शादी हुई और दो चार पांच साल के बाद उसके हस्बैंड की अगर डेथ होगी तो जबरदस्ती लड़की को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। तो जरा सोचिए उस जमाने को, क्या वो जमाना सही था या आज का ये जमाना सही है? सोसाइटी को जहां वेरिएंट ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर मैनेज करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है। और एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास के अंदर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे नियमों को आप पालन करते हैं। जब आप स्कूल में आ रहे होते हैं तो यू हैव टू वॉक इन अ लाइन, ऑलवेज योर टीचर्स टेल यू दैट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन टू योर लेफ्ट साइड, बैक योर हैंड्स, वॉक स्ट्रेट, डोंट टॉक व्हाइल यू आर वॉकिंग इन द मूविंग इन द कॉरिडोर। तो ये सारी चीजें क्यों फॉलो करनी पड़ती हैं? क्योंकि जब आपकी क्लास स्पोर्ट्स के लिए बाहर ग्राउंड में जा रही है और शोर करते हुए जा रही है तो बाकी क्लासेस जो अभी भी जहां टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हम जब समाज के अंदर रहते हैं तो हमें कुछ कायदे कानून को पालन करना पड़ता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन कायदे कानूनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? इट इज दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न द अफेयर्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड एनफोर्स्ड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखिए, हमारे देश के अंदर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, और जुडिशरी भी बैठी हुई है उसको वॉच करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, पार्लियामेंट में जाती है, वहां पर हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और फिर उनको एनफोर्स करती है, सबके ऊपर लागू करती है। तो ये क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे सभी कामों को मॉनिटर करते हैं और हमारी जरूरत के हिसाब से न्यू रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करके सोसाइटी को पीस एंड हार्मनी मेंटेन करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को मैनेज नहीं किया जाएगा तो फिर बहुत सारा क्योस क्रिएट हो जाएगा और कोई भी लोग शांति से हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे अफेयर्स को गवर्न करते हैं और जो किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ। तो लॉ हमारे देश के अंदर कौन बनाता है? हमारे देश के अंदर कानूनों को बनाने का जो काम है वो है लेजिस्लेचर के पास। और हमारी सेंट्रल अथॉरिटी कौन है जो लेजिस्लेचर का काम करती है? दैट इज पार्लियामेंट। तो हमारे पार्लियामेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को बनाती भी है और जो पुराने बने हुए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको अमेंड भी करती है, ठीक है। आजादी से पहले के कुछ कानूनों को अगर हम स्टडी करेंगे, इस चैप्टर के अंदर करेंगे, तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि सारे कानून सबके फायदे के लिए नहीं होते हैं। कई बार कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जो किसी एक कम्युनिटी के फेवर में होते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी के इन फेवर में होते हैं, यानी किसी के लिए जस्टिफिएबल होते हैं, किसी के लिए अनजस्टफुल होते हैं। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो आर्बिट्ररी होते हैं और वो सब लोगों के द्वारा वो पसंद नहीं किए जाते। तो ऐसे कानून लोग उनको फिर प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे कानूनों को बोलते हैं अनपॉपुलर लॉज। तो ऐसे आर्बिट्ररी लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने जरूरी हैं वो इन एग्जांपल से समझते हैं। द लॉ स्पेसिफाइंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल और अ बॉय। कानून क्या काम करता है? देखिए, कानून नहीं होता तो क्या लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो शादी की उम्र फिक्स की गई है 18 साल का कि जो है लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, ये सब क्या है? ये सब कानून है और ये समाज की जरूरत के हिसाब से बदलते हुए, इट वी नीड टू कीप पेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड द नीड ऑफ द पीपल एंड अकॉर्डिंगली न्यू लॉज आर फॉर्म्ड और द एग्जिस्टिंग लॉज आर अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए,
द लॉ दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ वोटिंग इन आवर कंट्री एवरी सिटीजन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ देयर एज दे हैव बीन प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. सबको वोट डालने का अधिकार, 18 साल से ऊपर के जो है सबको वोट डालने का अधिकार है. लेकिन ये किसने बताया कि सबको वोट डालने का अधिकार है और सब इक्वल है, इक्वली वोट डाल सकते हैं? तो ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया है, लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है. तो अगर ये कानून नहीं होता तो फिर इस तरह का सिस्टम फॉलो नहीं हो सकता था. द लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, कानून बनाया गया है घरों के अंदर औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कानून बनाया गया है. द लॉ दैट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू द गर्ल्स एंड बॉयज, पहले लड़कियों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन आजादी के बाद अभी 2005 में एक कानून बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग लड़कियों को भी लड़कों के समान अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट्स दिए जाएंगे. तो देखिए इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको अभी धीरे धीरे ये लगने लगा होगा कि ये लॉज अगर ना हो तो फिर सोसाइटी के अंदर इक्वेलिटी नहीं एस्टेब्लिश की जा सकती. और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पहले हमारे देश में कास्टिज्म सिस्टम को फॉलो होता था, चार जातियों में पूरा देश जो है बटा हुआ था, सोसाइटी जो है बटी हुई थी. सेम क्राइम के लिए ऊंची जात के लोगों को कम जो है पनिशमेंट की पेनल्टी दी जाती थी, जबकि नीची जाति के जो लोग समझे जाते थे, बैकवर्ड क्लासेस जो समझी जाती थी, उसी सेम क्राइम के लिए उनको ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती, पेनलाइज किया जाता था. तो इस तरह के कानून जो फॉलो होते थे वो अनजस्टफुल थे. लेकिन अब आजादी के बाद बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था होगी वो सबके लिए इक्वल होगी. यानी कि लॉज आर इक्वल फॉर एवरीवन, मींस एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो भी कानून से ऊपर नहीं है. सो द लॉ इज अबव एवरीथिंग. हमारे देश में आजादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें प्रोविजन किया गया है कि कानून की व्यवस्था हो. तो इन आवर कंट्री वी हैव एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट व्हेन एंड वेयर दीज लॉ और दिस फ्रेम वर्क ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट.